हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क। स्वागत है आप सभी का एग्जाम डेस्क में। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपन कवर कर रहे हैं जीव विज्ञान। साइंस का एक पोर्शन है जीव विज्ञान, जिसको अपन कवर कर रहे हैं किसके लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड जो भी अपकमिंग एग्जाम है जहां पर साइंस पूछता है, ठीक है। और साइंस वाले पोर्शन में जहां भी आपको साइंस पूछता है उस एग्ज़ाम में यहां से जो है 100% क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं बन जाती है। और हाँ दोस्तों, ये हमारा सारा का सारा जो है जो 9th 10th की एनसीईआरटी बेसिस पर है। कौन सी? 9th 10th की एनसीईआरटी बेसिस पर। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए स्टार्ट करते फटाफट से। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान में। अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे दोस्तों टैक्सोनॉमी। अपन क्या कवर कर रहे थे जीव विज्ञान में? तो एक लेक्चर हो चुका है इसका, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक्स बात करे थी। और अपन क्या पढ़ रहे थे? टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी बोलते हैं, वर्गीकी, या इसे वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी अपन कवर कर रहे थे और टैक्सोनॉमी में अपन बात कर ली थी किसकी? लीनियस के बारे में। आपने एक साइंटिस्ट के बारे में तो अवश्य सुना होगा, कार्ल लीनियस। कौन? कार्ल लीनियस। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट, तो इनको आपको याद रखते हुए चलना है। किसको? कार्ल लीनियस। इसे कैरोलस लीनियस भी बोलते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं लीनियस, ठीक है। तो कौन थे भाई कार्ल लीनियस? तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आपसे पूछेगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कौन है? कार्ल लीनियस है, ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को बेसिकली क्या बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी वह ब्रांच है साइंस की जिसमें अपन विभिन्न लिविंग ऑर्गेनिज्म का या विभिन्न लिविंग जंतु का, मतलब जीवित जंतुओं का, उनके उनकी संरचना के आधार पर या सेल स्ट्रक्चर के आधार पर उनको विभाजित करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वर्गीकी बोला जाता है या टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्ल लीनियस की। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कार्ल लीनियस ने सबसे पहले जो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मतलब कि जो लिविंग जंतु थी, जो जीवित प्राणी थे, ठीक है, पूरे के पूरे जीवित प्राणी को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। मतलब कि इन्होंने पहला तो बनाया पादप जंतु जगत, क्या? जंतु जगत, या इसे आप एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं, जंतु जगत। और जो दूसरा था दोस्तों, इन्होंने दूसरा बनाया पादप जगत, ठीक है। तो कार्ल लीनियस अर्थात कैरोलस लीनियस ने क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इनने क्या क्या दिया? तो आप यहाँ लिखेंगे, जो कार्ल लीनियस था, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो कार्ल लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और पूरे के पूरे जो जंतु जगत को दो भागों में बांटा इन्होंने, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत, ठीक है। इतना समझ में आया। इनकी एक बुक है, उस बुक का भी नाम है, आप याद रखेंगे, सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने एक बुक लिखी, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। आप इंग्लिश में ही बुक को याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे के ऐसे ही हिंदी में लिख देंगे, आपको हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा, सिस्टमा नेचुरी। इनकी एक बुक थी सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, जो किसने लिखी? कार्ल लीनियस ने लिखी। इसमें, इस बुक में दोस्तों लगभग 1000 जंतुओं के बारे में या प्राणियों के बारे में अध्ययन इन्होंने किया था अपनी इस बुक में। ये तो हालांकि हर किसी को याद रहती है ये बुक, लेकिन इनके अलावा भी कार्ल लीनियस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उसके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे कि फिलोसफी का, बॉटनी का, दूसरी बुक इन्होंने क्या लिखी? फिलोसफी का, ये फर्स्ट थी। दूसरी बुक क्या लिखी? फिलोसफी का, बॉटनी का, ये
बॉटनी पर आधारित थी, फिलोसफी का बॉटनी का। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम भी लिखा, इसकी एक अन्य बुक है स्पीसीज स्पीसीज प्लांटेरम प्लांटेरम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी जिनको जिनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कार्ल लिनियस ने क्या दिया, तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखना है, बाइनोमियल नोमन क्लेचर। इन्होंने और क्या दिया, बाइनोमियल नोमन क्लेचर, बाइनोमियल नोमन क्लेचर। ये क्या है बाइनोमियल नोमन क्लेचर, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसके बारे में। हालांकि अपन एक पूरा लेक्चर लगेगा बाइनोमियल नोमन क्लेचर के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है अलग अलग जगह में कुछ स्पीसीज है, कुछ जाति है, ठीक है, उनके बारे में आपको नाम मिलता है। जैसे कि बात करें अपन मनुष्य की, मानव को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं ना, और इंग्लिश में ह्यूमन बोलते हैं। वहीं अगर आप विदेश जाते हैं या कहीं और जाते हैं साइंस मतलब कि एक कोई कॉन्फ्रेंस होती है साइंटिफिक वाली, तो वहाँ पर आपको मनुष्य का नाम क्या मिलेगा, होमोसेपियंस। इसका मतलब क्या है, और ऐसे अंडरलाइन देखो, ये एक वैज्ञानिक नाम है, मतलब इसको हिंदी में द्विजगत नामकरण पद्धति इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमन क्लेचर को, जो किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया। तो इन्होंने क्या काम किया था, जो जितने भी अगर आपको कोई आप किसी जंतु की खोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपको नाम देना पड़ता है उसका कुछ। जैसे कि मनुष्य के लिए एक नाम यूज़ किया जाता है साइंटिफिक नेम, वो कौन सा है, होमोसेपियंस है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नोमन क्लेचर था। इसके पहले आपको जो ये नाम लिखा जाता है दोस्तों, ये बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, और इन्हें इटैलिक में लिखा जाता है, इटैलिक लेटर में इसे लिखा जाता है, और साथ ही साथ इसके नीचे जो है अंडरलाइन भी करना पड़ता है। ये कुछ नियम थे, अपन आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। अपन जो टैक्सोनॉमी में आप इतना ही याद रखेंगे, और कार्ल लिनियस की बात कर रहा था तो ये बताना आवश्यक है कि कैरोलस बाइनोमियल नोमन क्लेचर किसने दिया, तो कार्ल लिनियस ने दिया, ठीक है। आगे बात करते दोस्तों अपन अब क्या, टैक्सोनॉमी की, ठीक है। तो एक चीज़ आपको, टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको याद रखना है। देखो टैक्सो का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप। टैक्सो को अपन अगर, ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है टैक्सोनॉमी, और टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप, और नॉमी का मतलब क्या होता है, नॉमी का मीनिंग होता है क्या, नेमिंग या नेम नामकरण या नेमिंग करना। तो बेसिकली एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसके आधार पर उसका जो है नामकरण कर दिया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर लिविंग जीव का ग्रुप व नामकरण होता है, मतलब कि लिविंग थिंग का अर्थात जो जीवित प्राणी है उनका नामकरण किया जाता है और उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, देखो, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया, उसके अलावा भी कुछ साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने भी जो जंतुओं का वर्गीकरण किया वो कौन कौन से किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इन्हें आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, तो ताकि आपको जो रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो साथों साथ आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी की कुछ स्टेप्स होती है वो भी जान लीजिए। जैसे कि आपको किसी चीज़ का नामकरण करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ता है, उस वस्तु को आइडेंटिफाइड करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपको किसी वस्तु का नामकरण या किसी चीज़ का आपको नाम लिखना है, जैसे कि मान के चलो अपन एग्जाम्पल की बात करें, होमोसेपियन से ले लेते हैं मनुष्य का नाम, सेपियंस, ठीक है। इसका नामकरण करने से पहले आप सबसे पहले तो आपको मनुष्य को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। कोई भी जाति के बारे में आपको अगर पता करना है तो उसको देखते से ही क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, मतलब कि वर्गीकरण।
कि वह प्राणी पादप जगत में आता है, जंतु जगत में आता है या मोनेरा किंगडम में आता है, इसके आधार पर आपको क्या करना पड़ता है, क्लासिफाइड करना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा चरण है वो क्या है, नोमेनक्लेचर, मतलब उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। ये तो बात सिंपल थी, आपको ये तो पता होगा। आगे बात करते दोस्तों टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर ली। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं दूसरे नंबर पे, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या काम किया, अर्नेस्ट हेकल ने 1894 में, कब, 1894 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, मतलब कि तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने दिया। और वो कौन कौन से तीन जगत थे, जैसे कि आपको पता है प्लांट किंगडम, और पूरे का पूरा अपन ने बात क्या करी थी, एनिमल किंगडम की। उसके बाद दोस्तों एक अर्नेस्ट हेकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था और इन्होंने जो है फंजाई को उसमें ऐड कर दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर एक और साइंटिस्ट का आप नाम याद रखेंगे, कोपलैंड, ठीक है। इन्होंने क्या काम, इन्होंने क्या दिया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब चार जगत का वर्गीकरण। ये तीन जगत का वर्गीकरण और जो कैरोलस लीनियस ने दिया वो कौन सा, द्वि जगत का वर्गीकरण। तो ऐसा कि ऐसा ही आपको याद रखना है। इनकी जो डिटेल में आप अपन नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है और भविष्य में भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं नहीं होगी, ठीक है। तो आप इतना ही याद रखेंगे, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है किसने दिया, कोपलैंड ने दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फेमस है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया, आर एच विटेकर ने दिया, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं विटेकर, ठीक है। आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कौन सा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे पांच जगत का वर्गीकरण बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पांच जगत का वर्गीकरण, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में दे देगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो किसने दिया, आर एच विटेकर ने दिया। अब इसके बारे में हमें डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो कौन कौन से फाइव जगत थे। तो जो संपूर्ण जो प्राणी था पृथ्वी पर, जितने भी उपस्थित थे जीवित प्राणी, उनको पांच जगत में वर्गीकरण किया था किसने, आर एच विटेकर ने, ठीक है। तो कौन कौन से थे, तो फर्स्ट इन्होंने बनाया अपना मोनेरा, पहला किंगडम क्या था, मोनेरा था, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बनाया, प्रोटिस्टा, ठीक। थर्ड जो इन्होंने रखा तीसरी कैटेगरी में, वो किसे रखा, कवक को रखा या फंजाई को रखा, फंजाई। अब देखो आपको कहीं कहीं दो वर्ड लिखने को मिलता होगा, एक क्या, फंजाई, और दूसरा क्या, फंगस, ठीक है। इंग्लिश वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो जो दोस्तों फंजाई होता है ना, जब प्लूरल की बात करेंगे अपन, एक पूरे ग्रुप की बात करेंगे, तो उसे अपन क्या, फंजाई लिखेंगे। और केवल एक कवक की बात करेंगे, मतलब सिंगुलर की बात करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फंगस बोलेंगे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसा, मतलब पूछता है और काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैंने कवक जगत, इससे अपन लिखेंगे कवक जगत। इसके बाद चौथा इन्होंने बनाया अपना कौन सा, पादप जगत, ठीक है। और जो पांचवा इन्होंने बनाया किंगडम, वो कौन सा बनाया, तो कौन सा, जंतु जगत, इसे इंग्लिश में एनिमेलिया बोलते हैं, एनिमेलिया, ठीक है। और इसे प्लांटेई, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपको इतना याद रखना है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। ओके, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर एच विटेकर ने दिया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहली बार एक चीज़ आपको याद रखना है, सबसे पहली बार जो टैक्सोनॉमी वर्ड है इसका प्रयोग किसने दिया, इसका प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? कैंडले ने किया था। जो टैक्सोनॉमी है दोस्तों, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, टैक्सोनॉमी का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कैंडले ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो टैक्सोनॉमी का सबसे पहले यूज शब्द, टैक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो कैंडले ने किया था, ठीक है। इतना बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं आर एच विटेगर के क्लासिफिकेशन की। तो इनका आधार क्या था जंतुओं को क्लासिफाइड करने का या वर्गीकरण करने का? तो इन्होंने बेसिकली दोस्तों उनकी कोशिका के आधार पर क्लासिफाइड किया, मतलब कि जो एक कोशी की जीव होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग होती है, और वहीं बात करते हैं अपन बहुकोशी की जीव की, तो उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। इसके अलावा कौन से जीव प्रोकैरियोटिक है, कौन से जीव यूकैरियोटिक है? अब देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको दो शब्द नए मिल रहे होंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में डिटेल में बता देता हूँ। जब अपन कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात सेल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर आप इतना याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स ये क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती है जो कि जब सेल का निर्माण होता है ना किसी भी जंतु में या किसी भी प्राणी में, तो जो शुरुआती चरण की सेल होती है उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, मतलब कि पूर्ण विकसित न्यूक्लियस नहीं होता किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब जब न्यूक्लियस, ये नहीं, आपसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता, होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की थोड़ी सी संरचना होती है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। मतलब कि जो सेल, आप ऐसे बात करते हैं, ये सेल है एक, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं सेल के अंदर, एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऊपर की बाहरी परत को बोलते हैं अपन क्या, सेल कोशिका झिल्ली या इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे क्या, एक द्रव भरा रहता है गाढ़ा सा, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट या कोशिका द्रव्य बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य बोला जाता है। तो जो केंद्रक होता है ना, ये कोशिका द्रव्य के अंदर ही अंदर मतलब बनना प्रारंभ हो चुका होता है, मतलब कि पूर्ण रूप से बनता नहीं। आप इतना याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, बस 100 बात की एक बात। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, आप यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी जान लीजिए, यूकैरियोटिक सेल्स तो ये होती है दोस्तों जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, केंद्रक स्पष्ट रूप से उभरा हुआ दिखाई देता है, मतलब केंद्रक मौजूद होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो अब एक एक से अपन डिटेल में इनका अध्ययन करते हैं, और थोड़ा सा आपको बेसिक से मैं बता देता हूँ। अपन बात कर रहे थे इनके आधार की, आर एच विटेकर का क्या आधार था क्लासिफाइड करने का, तो उन्होंने क्या काम किया, जैसे कौन से एक कोशिकी के जीव को अलग किंगडम में जगह दे दी, बहुकोशिकी के जीव को दूसरे किंगडम में जगह दे दी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मोनेरा किंगडम कैसा होता है पूरा का पूरा, सॉरी, तो मोनेरा किंगडम होता है यूनिसेलुलर या एक कोशिकी, और उसके साथ ही एक कोशिकी होने के साथ ही ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। वहीं प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी एक कोशिकी होता है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस आया, तो इसमें एक चेंजेस ये आ जाता है, ये यूकैरियोटिक हो जाते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, दोनों की दोनों ही एक कोशिकी रहेंगे, बाकी के सारे जो जितने भी है तीनों, ये बहुकोशिकी हो गए और यूकैरियोटिक हो गए। और वही बात करते हैं अपन अब कवक की, तो अब जब सारे के सारे एक कोशिकी है, ठीक है, और बहुकोशिकी भी है,
तो बोलेंगे आप कि सर फिर इनमें क्या डिफरेंस है, इन्हें क्यों अलग अलग किंगडम में रखा गया। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, तो इनको अलग इसलिए रखा गया। अब अगर कंपैरिजन करें अपन कवक की और प्लांट की, ठीक है, तो बेसिकली दोनों की ही दोनों क्या होते हैं, एक प्लांट के रूप में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है, कवक में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। क्या? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता कवक में। और पादप में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम में आपको भी पता है फिर से क्लोरोफिल नहीं मौजूद होगा, क्लोरोफिल इसमें क्या होता है, मौजूद नहीं होता है। तो प्लांट और देखो इसमें क्या अंतर है, तो प्लांट और एनिमल में तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो प्लांट किंगडम में यही क्या होती है, सेल वाल मौजूद होती है, क्या होती है, सेल वाल पाई जाती है। और जो जंतु जगत में सेल वाल नहीं पाई जाती, सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। तो बेसिकली ये बेसिस था आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन का। अब एक एक से सबसे पहले बात करते आज मोनेरा की, और बाकी के जो चारों हैं उनको अपन अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज मोनेरा ही कंप्लीट हो पाएगा, तो आज अपन मोनेरा की बात कर लेते हैं। मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव को रखा जाता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं। एक बार फिर से मैं बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है सब्सक्रिप्शन से आपके, ठीक है। तो पहला ही अपन लेके चलते हैं कौन सा, मोनेरा। आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन का पहला ग्रुप है कौन सा, मोनेरा। मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें अपन, तो ये कैसे होते हैं, मेनली आप सबसे पहले याद रखेंगे ये जलीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव होने के साथ ही साथ ये सर्वव्यापी भी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब ये है कि ये किसी भी वातावरण में जीवित रहने के लिए सक्षम होते हैं, मतलब किसी भी वातावरण में ये जीवित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, आज जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, अर्थात जब पृथ्वी पर क्या जीव उत्पन्न हुआ, तो उस समय सबसे पहले जो पृथ्वी पर प्रकट हुए वो कौन से प्राणी थे, तो वो मोनेरा किंगडम के ही जगत थे, मतलब प्राणी थे, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्राणी कौन से हैं, वो मोनेरा किंगडम के प्राणी हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये कैसे जीव, इनकी कोशिकाएँ कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनके जो केंद्र कोशिका में सेल में केंद्रक मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोटिक होने के बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, एक ये कैसे होते हैं, ये एक कोशी की होते हैं, एक कोशी की होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछेगा कि बताइए कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस जगत से बिलोंग करता है, अर्थात इसे अपन हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। तो जीवाणु कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा से करता है। इसके साथ ही साथ नील हरित शैवाल, देखो इन्हें शैवाल नाम तो दिया जाता है, लेकिन ये बेसिकली शैवाल नहीं होते, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड आप एक नोट करके लिखेंगे, वो क्या है कि जो पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटे जीव कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं दोस्तों, इन्हें नग्न आंखों से तो देख ही नहीं सकते, और हाँ सारे के सारे जो मोनेरा किंगडम के ही जो जंतु होते हैं वही कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि इन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा अर्थात सूक्ष्मदर्शी से ही इन्हें देख सकते हैं। तो इसके साइज की बात करें, कभी कभी इसका साइज भी पूछ लेता है माइकोप्लाज्मा का, तो इसका जो साइज होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा का, आप याद रखेंगे 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसका साइज होता है, किसका, माइकोप्लाज्मा का, ठीक है।
इतना इम्पोर्टेंट है। और आगे अब बात करते हैं इनके न्यूट्रिशंस की, तो ये कैसा न्यूट्रिशंस लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, इनमें जो है सेल वाल प्रेजेंट होती है, इनमें क्या होती है सेल वाल उपस्थित होती है, सेल वाल उपस्थित होती है, ठीक है। सेल वाल पाई जाती है काय में, प्रोकैरियोटिक्स, सॉरी मोनेरा जगत के प्राणियों में, ठीक है। तो इतना आप लिखिए, इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बात करते हैं इनके न्यूट्रिशंस की, ठीक है। तो इनके न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, अर्थात कि ये अपना पोषण कहाँ से लेते हैं। तो आप लिखेंगे अब हेडिंग पोषण के बारे में। इनका जो न्यूट्रिशंस होता है दोस्तों, ये कीमोसिंथेसिस भी प्रक्रिया के द्वारा अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। और कुछ जो मोनेरा किंगडम के जो प्राणी होते हैं वो परजीवी भी होते हैं, अर्थात पैरासाइटिक भी होते हैं। तो न्यूट्रिशंस की अगर अपन बात करें, अपन न्यूट्रिशंस की अर्थात पोषण की, तो इनमें पोषण कैसा होता है, बेसिकली ये कैसे होते हैं, कीमोसिंथेसिस एक तो ये होता है, और दूसरा कैसे होते हैं, परजीवी या इसे अपन पैरासेटिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पैरासेटिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये कीमोसिंथेसिस क्या होता है, तो जो दोस्तों सड़े गले पदार्थों के ऊपर रासायनिक क्रिया के द्वारा जो अपना भोजन को वो बनाते हैं, उन्हें अपन कीमोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और कुछ जो जीवाणु जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कोई रोग कारक होते हैं, जैसे अपन बात करें अपन मनुष्य में, तो जो उनके अंदर रहकर, जो किसी जीव के अंदर रह, किसी शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन पैरासाइटिक बोलते हैं। बस इतना सा है आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो मोनेरा में इतना ही बात करेंगे। अगला अपन बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि बैक्टीरिया से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में अपन अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो में अपन इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाती तो आप भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मुझे भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि प्लीज़ यार इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। काफ़ी मेहनत करके अपन ये वीडियो बनाया जाता है हमारे द्वारा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। आई होप नवरात्रा का आप अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रहा है ग्रुप डी और NTPC का, तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी 50 डेज़ में, अपन 50 डेज़ में सारा का सारा सिलेबस कम्प्लीट करेंगे, बायोलॉजी का प्लस फिजिक्स का और प्लस केमिस्ट्री का। तो सारे के सारे आपको सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो साइंस की आप चिंता हमारे पर छोड़िए, साइंस आपको